अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर बेसिक्स की लैब एक्टिविटीज़ करेंगे हम आज। चैप्टर नंबर 2 है सॉफ्टवेयर बेसिक्स। अच्छा, पहली लैब एक्टिविटी जो है वो है डिवाइस ड्राइवर से रिलेटेड, यानी कि हम कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, लगाने के बाद उसका ड्राइवर कैसे हमने इंस्टॉल करना होता है उसका। ये जैसे मिसाल अगर हम एक प्रिंटर लगा देते हैं, डायरेक्ट जब हम प्रिंटर कंप्यूटर के साथ लगाएंगे तो वो प्रिंटर चलेगा नहीं, ठीक है। पहले हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद वो प्रिंटर जो है वो चलता है, ठीक है। तो वो ड्राइवर जो है, बाज़ ड्राइवर जैसे होते हैं जो कि विंडोज़ में ऑटोमेटिकली पहले से ही मौजूद होते हैं और वो चीज़ें चल जाती हैं, वो फ़ौरन इंस्टॉल होते हैं। जैसा कि हमारे माउस और कीबोर्ड वगैरह के ड्राइवर्स हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों के ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने प्रिंटर की मिसाल दी, अगर उसका ड्राइवर नहीं है विंडोज़ के अंदर, तो वो फिर साथ कोई CD वगैरह हमें देंगे, CD या DVD, उसके अंदर उन्होंने ड्राइवर डाला होगा, वहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है हमें, ठीक है। या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके तो उसको फिर वहाँ से हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई सेटअप की फ़ाइल होती है, वहाँ से उसको चला दो तो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि वो सेटअप के ज़रिए भी इंस्टॉल नहीं होता ड्राइवर, फिर हमने क्या करना है। फिर उसका जो तरीका है ना, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी चीज़ है कि इस एक्टिविटी में हम ये भी चेक कर सकेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जितनी चीज़ें लगी हुई हैं उनमें से किन चीज़ों के ड्राइवर्स या तो है ही नहीं है या फिर सही नहीं है, जिनको ठीक करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें करना हमने ये है कि सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 देखें, ये विंडोज़ XP से रिलेटेड लैब एक्टिविटी है। पहले पॉइंट में वो कहता है कि डेस्कटॉप के ऊपर माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, ठीक है, और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखा होता है उसको क्लिक कर दें, ठीक है। राइट क्लिक करके माय कंप्यूटर पे तो नीचे प्रॉपर्टीज़ आता है, वहाँ पे जाना है। अब उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने सिस्टम प्रॉपर्टीज़ की विंडोज़ उससे खुलती है, ठीक है। जब हम माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं तो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। ये जो बॉक्स है ना, ये हमारे सामने आएगा, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ये। अच्छा, अब इसके अंदर हार्डवेयर को क्लिक करना है, ठीक है। ये टैब, तीसरा टैब जो है ना, वो ये हार्डवेयर का है, इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको क्लिक करने के बाद डिवाइस मैनेजर को क्लिक करेंगे, ये एक बटन बना हुआ है डिवाइस मैनेजर का, ठीक है। इस बटन को जाके तो हमने क्या करना है कि क्लिक कर देना। जब हम डिवाइस मैनेजर को क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक विंडो खुलेगी डिवाइस मैनेजर की, ठीक है। ये वो विंडो है डिवाइस मैनेजर की जो कि खुलेगी, ठीक है, डिवाइस मैनेजर का बटन क्लिक करने से। अब हम यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर लगे हुए सारे जो हार्डवेयर हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं सब की डिटेल्स इस जगह से हम देख सकते हैं, ठीक है, डिवाइस मैनेजर से। इसमें आप शुरू में सबसे देखो बैटरीज़, कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव्स। अब डिस्क ड्राइव्स के अंदर हार्ड डिस्क आ जाती है, ठीक है। फिर डिस्प्ले अडाप्टर्स, डिस्प्ले अडाप्टर्स में हमारा ग्राफिक कार्ड आ जाता है। फिर उसके बाद है DVD, CD-ROM ड्राइव्स। हमारे कंप्यूटर में जो भी CD या DVD-ROM लगा हुआ है वो उसकी डिटेल। अब इसके साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा प्लस भी बना हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे ये छोटा सा प्लस बना हुआ है, डिस्प्ले अडाप्टर जहाँ लिखा हुआ है उससे पहले उस प्लस को क्लिक करें तो फिर वो वहाँ पे वो चीज़ें दिखाएगा कि कौन कौन से डिस्प्ले अडाप्टर इस कंप्यूटर में लगे हुए हैं, ठीक है।
इस प्लस को क्लिक करने से वो ये इस चीज़ की डिटेल बताता है। अच्छा अब ये इसकी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके भी दिखाता हूँ। अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर है, फिर फ्लॉपी डिस्क की ड्राइव है, फिर IDE ATA PI कंट्रोलर, ठीक है, ये IDE के ये डिवाइसेस है। फिर उसके बाद IEEE 1394 बस होस्ट कंट्रोलर, ये इंटरनेट से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद कीबोर्ड है, कीबोर्ड कौन कौन सा कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है, माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है, माउस वगैरह। फिर मोडेम्स है, मोडेम्स भी इंटरनेट चलाने के लिए होती है। अब आप देख सकते हो कि मोडेम के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जहाँ मैंने सर्कल किया है वहाँ पे एक ब्लू येलो कलर का क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एक मिनट मैं आपको, इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि ये जो मोडेम का ड्राइवर है वो सही नहीं है, ठीक है, ख़राब है। जैसे इन्होंने बॉक्स में बताया भी हुआ है कि इसका ड्राइवर ठीक नहीं है, बाकी सारे ठीक है, क्योंकि और किसी के साथ ना ही क्वेश्चन मार्क है ना ही रेड कलर का साइन है। रेड कलर का क्रॉस अगर बना हो तो उसका तो ड्राइवर बिल्कुल ख़राब होता है। क्वेश्चन मार्क में ये होता है कि इसका ड्राइवर ख़राब ठीक नहीं है, ठीक है, सही करने वाला। तो इसका ड्राइवर हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ का ड्राइवर हमें फिर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना जाए, या फिर ट्रायंगल का साइन, बाज विंडोज़ में ट्रायंगल का साइन बना होता है येलो कलर की, ठीक है, ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ऐसी चीज़ को जो है ना हमें फिर उसका ड्राइवर हमें ठीक करना पड़ता है, ठीक है, इंस्टॉल इंटरनेट से करेंगे या कहीं से भी करेंगे। अच्छा उसके बाद आप देखो मोनीटर्स हैं, ठीक है, फिर नेटवर्क अडाप्टर यानी इंटरनेट के जो इंटरनेट के कार्ड जो लगे हुए हैं कंप्यूटर पर, PCMCIE अडाप्टर्स, फिर पोर्ट्स हैं, कॉम पोर्ट्स, LPT पोर्ट्स, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम मुख्तलिफ माउस और प्रिंटर वगैरह के स्विच लगाते हैं, ठीक है, यानी उनको जहाँ से अटैच करते हैं कंप्यूटर के अंदर उन चीज़ों को पोर्ट करते हैं, जैसे USB पोर्ट्स हैं, फिर PS2 पोर्ट्स वगैरह। अच्छा उसके बाद प्रोसेसर्स कौन से लगे हुए हैं, साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर कौन से लगे हुए हैं, यानी साउंड कार्ड वगैरह, ठीक है, फिर सिस्टम डिवाइसेस, और एंड पे है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स यानी USB कंट्रोलर कौन कौन से। अब ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, और सबसे ऊपर कंप्यूटर का नाम है जिसके साथ आप देख सकते हो कि माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि इस कंप्यूटर का उसने के अंदर जो चीज़ें है वो उसको, यानी इसका जो प्लस था उसको क्लिक होया हुआ है वो, ठीक है, उस वो सारी खुली हुई हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। अब इनके प्लस खोल के इनके अंदर की डिटेल हम खोल सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको थोड़ा करके दिखाता हूँ। विंडोज़ 10 में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, इसके लिए हमें यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाना होगा, नीचे सर्च में लिखें कंट्रोल पैनल, ये हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, इधर से क्लिक कर लो, ये सामने डिवाइस मैनेजर इसमें होता है। बहुत गलत कैटेगरी व्यू नहीं होया होता, दूसरा व्यू होया होता है, ठीक है, ऊपर से व्यू बहुत गलत चेंज करना पड़ता है, फिर डिवाइस मैनेजर सामने। अब आप देख सकते हो ये सारी चीज़, ये प्लस हम क्लिक जब करते हैं तो उसकी डिटेल ये देता है। अब इसमें HP का सुपर ड्राइव लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर ये कीबोर्ड की डिटेल आ गई, ठीक है, ये HID कंप्लेंट माउस लगा हुआ है, ठीक है, नेटवर्क अडाप्टर ये लगे हुए हैं इसमें, ये साउंड इंटरनेट का कार्ड है, नेटवर्क कार्ड सबसे पहले जो लिखा हुआ है जिसका नाम। अब आप देख सकते हैं अदर डिवाइसेस में PCIe सीरियल पोर्ट है जिस पे एक येलो कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, यानी कि येलो कलर की ट्राइंगल बनी हुई है। इसका ड्राइवर हमें फिर यहाँ से राइट क्लिक करके तो अपडेट करना पड़ता है, यहाँ से आप ड्राइवर्स में जाए, ये अपडेट ड्राइवर का बटन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं।
जनरल में जाके सामने भी अपडेट ड्राइवर आया हुआ है इसमें, या ऐसे ही राइट क्लिक करें तो अपडेट ड्राइवर लिखा आता है, तो इससे हम फिर अपडेट करके तो वहाँ से इसका ड्राइवर सही ड्राइवर जो है वो ढूंढ के इंस्टॉल करेंगे। प्रोसेसर में आप देख सकते हो इसमें 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक है, i5 के 3.1। फिर उसके बाद ये साउंड कार्ड की डिटेल्स है सारी। अब ये डिस्प्ले अडाप्टर में खोला तो ये ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है NVIDIA GeForce GTX 950, ठीक है। ये राइट क्लिक करें तो इस पर अपडेट ड्राइवर, फिर नीचे प्रॉपर्टीज आ गई, ये अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये 2019 का ड्राइवर इसके अंदर इस टाइम डाला हुआ है, तो ये अपडेट ड्राइवर का बटन भी यहाँ बना हुआ है, इसको क्लिक करके हम इसको लेटेस्ट पे अपडेट कर भी सकते हैं। ये यहाँ से करेंगे या इसका ड्राइवर इंटरनेट से डाउनलोड करके भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अब 2020 है तो उसमें कोई नया ड्राइवर इसका आ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं, फिर नए फीचर वगैरह उसमें वो क्योंकि इस तरह डालते रहते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल पैनल के अंदर डिवाइस मैनेजर है, ठीक है, जिससे हम इसको इंस्टॉल करते हैं ड्राइवर्स वगैरह। दूसरी लाइव एक्टिविटी है कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारी विंडोज़ में कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर के फ़ायदे के लिए होते हैं, कंप्यूटर को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारी दूसरी लाइव एक्टिविटी है, तो हमने मुख्तलिफ तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम्स के नाम लिखने जो हमारी विंडोज़ में मौजूद होते हैं, ठीक है। विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, जितनी भी विंडोज़ है, विंडोज़ 98, ठीक है। इनमें फ़र्क भी होता है, नामों में भी फ़र्क होता है सॉफ्टवेयर की। तो बहरहाल मैं आपको कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम का नाम बता देता हूँ, एटलीस्ट भी आपको कोई 3 नाम तो आने चाहिए, ठीक है, 3-4 नाम ज़रूर आने चाहिए। अच्छा, जो कि विंडोज़ में होते हैं। अब पहला मैंने बता दिया डिस्क क्लीनअप, ठीक है। ये क्या करता है कि हार्ड डिस्क के अंदर से फालतू जो फाइलें मौजूद होती है उनको डिलीट करता है, ठीक है, और डिस्क को स्कैन करता है। उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पे नाम लिखा है विनजिप, ये फाइलों को छोटा कर सकता है, ठीक है, फाइलों का साइज़ छोटा कर सकता है, ये विंडोज़ में पहले से मौजूद होता है कंप्रेस करने के लिए। एक फ़ाइल 100 MB की है, उसको हो सकता है वो 50 MB का कर दे, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए होता है, हार्ड डिस्क की स्पेस बचाता है। फिर तीसरे नंबर मैंने नाम लिखा विंडोज़ डिफेंडर, ये एक एंटीवायरस है जो कि विंडोज़ 10 के अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये वायरसेस वगैरह को रोकता है, मेलवेयर को। उसके बाद है विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल भी एक एंटीवायरस है और ये इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी करता है, ठीक है, इंटरनेट से कोई वायरस वाली चीज़ कंप्यूटर में नहीं आने देता। तो ये जो पहले 4 मैंने बताए, ये 4 यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि विंडोज़ के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, आपको कम अज़ कम भी कोई 3 तो पता ही होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये 4 आपको एटलीस्ट आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद है विन ड्रार, मैंने एक लिखा है, ये विंडोज़ के अंदर पहले से मौजूद नहीं है, ये हम खुद इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो विन ड्रार ये भी कंप्रेशन का सॉफ्टवेयर है, ये ज़रा विनजिप जैसे विनजिप है उसी तरह विन ड्रार भी है, ठीक है, फाइलों को छोटा करता है। ये असल में काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको एक एक्सटर्नल भी बता दिए कि जो विंडोज़ का अपना ऐसा नहीं है लेकिन हम इनमें इंस्टॉल भी कर सकते हैं बाहर से। इसके अलावा डिस्क डीफ्रेगमेंटर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क को जो है स्कैन वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी डीफ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है, यानी हार्ड डिस्क के लिए होता है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो विंडोज़ के अंदर पाया जाता है, हार्ड डिस्क को ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे होते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाएं, विंडोज़ 10 में का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें नीचे जाएंगे तो विंडोज़ सिस्टम में जाएं, यहाँ से तो ये आप कंट्रोल पैनल देख सकते हैं यहाँ सामने मौजूद। फिर ये फाइल मैनेजर, ये फाइल मैनेजर भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है, आप फाइल मैनेजर भी लिख सकते हो। अब इसमें फाइल एक्सप्लोरर नाम है विंडोज़ 10 में इसका, ठीक है, फाइल मैनेजर का। विंडोज़ XP में इसको विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते थे, ठीक है, तो आप ये भी नाम लिख सकते हो।
तो एटलीस्ट 4-5 नाम आपको आने चाहिए, ज़्यादा बेहतर है 5 नाम जो है ना याद रखो। अच्छा, अभी आप कंट्रोल पैनल में जाओ तो यहाँ पे बहुत से यूटिलिटी प्रोग्राम्स मौजूद हैं, ठीक है। ये साउंड की सेटिंग का यूटिलिटी प्रोग्राम है, फिर इस तरह कीबोर्ड का है, माउस का है, तो ये सारे जो है ना ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स है जो कि यहाँ कंट्रोल पैनल में बहुत से, यानी इसके अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि मौजूद हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, इसमें मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स होती है, ठीक है। कलर मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजर है, तो ये इनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। इसके अंदर जो ज़्यादातर मौजूद हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम भी हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम के नाम बता दिए, ठीक है। तकरीबन 5 नाम जो है ना वो आपको इस एक्टिविटी के लिए लिखने चाहिए। अल्लाह हाफिज़।